कन्या राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जुलाई के महीने में आपकी जान ले लेगा इस नाम का इंसान। यह आपकी दुश्मनी में तांत्रिक बन चुका है और इस जुलाई के महीने में आपको जान से मारने की पूरी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों समय रहते इसका नाम जान लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। जी हाँ दोस्त, आज के इस वीडियो में हम आपको इसका राज्य से पर्दा उठाने वाले हैं और कैसे आप इनको अपने जीवन से खत्म कर सकते हैं, कैसे आप मुक्ति पा सकते हैं, विस्तार से सभी जानकारी हम आपको समझने वाले। तो दोस्तों वीडियो को भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आगे वीडियो में थोड़ा सा अच्छा होगा यह सोचकर आप वीडियो को बड़ा बड़ा कर देखते हैं तो दोस्तों आपको किसी भी चीज का लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों यदि आपके पास यह वीडियो आया है तो यकीन मानिए ईश्वर नहीं है, वीडियो आपको भेजा है, ईश्वर आपको शकर करना चाहता है, तभी यह वीडियो आपके सामने आया है। दोस्तों इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस आप ईश्वर का संदेश समझकर वीडियो को देखिएगा। हम पूरी गारंटी के साथ रहते हैं कि इस वीडियो से आपका जीवन बदल जाएगा, जो आपके सपने हैं वह सपने भी सच हो जाएंगे और इस दुश्मन से भी आपको मुक्ति मिल जाएगा और यह जुलाई का महीना आपके लिए वह सब कुछ लेकर आएगा जितना आपने सोचा है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप पिछले कई महीने से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि यह महीना हमारा खराब किया लेकिन अगला महीना अच्छा आएगा। लेकिन दोस्तों ये करते करते साल का 4-5 महीना किस तरफ पर हो गया पता नहीं चला, लेकिन दोस्तों अब जुलाई का महीना आ चुका है। इस महीने में आपके सपने साकार होने वाले हैं, बस आपको अपनी ओर से अग्रसर होना है और मौके का लाभ उठाना है। कहीं अगर संकट है तो वहां सावधान रहना होगा। जैसे कि दोस्तों यह समय 3 लोग आपको जान से मारने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और यह इंसान कोई गैर नहीं, आपका अपना मन ही है, सच्चाई जान लीजिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम इतना आप सभी से निवेदन करते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसा सच्चाई कोई भी YouTube पर नहीं बताता है। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी की सच्ची भक्ति हैं, माता रानी शीतला की सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां शीतला 3 बार या 5 बार लिख दीजिएगा। माता शीतला का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। आपकी जिंदगी के सबसे बड़े शत्रु हैं ये 3 नाम वाले लोग। प्यारे मित्रों, अब आपकी जिंदगी में एक ऐसा फल आने वाला है जब आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी योगों का निर्माण हो चुका है, जिसे हम चक्र ही राजयोग और मालव्य के योग कहते हैं। इसी के साथ साथ एक और विशेष योग जिसे हम बुधादित्य योग कहते हैं, इसका भी निर्माण होने जा रहा है। ऐसे में आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी घड़ियां, अच्छे पल आएंगे, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्रवेश करेगी। लेकिन आपकी जिंदगी के इस सत्र से आपको बचकर रहना होगा, क्योंकि ऐसी खुशियों के पल जब आपके जीवन में आते हैं तो उसे छीलने के लिए यह 3 नाम वाले लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं और फिर आपकी हर एक खुशी को बर्बाद कर देते हैं। अब हमारी बात आपको भी चक्कर भी लगेगी, हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन आपकी ही लापरवाही हो का यह नतीजा है कि आपने ऐसे शत्रु को आज तक ना तो पहचान पाया है और ना ही इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की है, जिसकी वजह से आप अब तक कष्ट और परेशानियों में घिरी रही हैं और आगे भी खड़ी ही रहेंगे कि कोई भी ताकत आई और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाने की कोशिश करें, वह भी कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो प्यारे मित्रों, आज हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि अब अपनी आंखें खोलो, आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें और आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखने के बाद आपको अपने जीवन के बारे में ऐसी अद्भुत और विशेष जानकारी हासिल होगी जैसे कि अब तक आपको कभी नहीं मिली थी। तो जयकारा बोलो माता रानी का जगत माए महामई, मां शीतला की जय बोलो, माता के दरबार की जय बोलो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आपकी जिंदगी में एक बहुत ही अजीबोगरीब और आने वाला है, अब आपको बहुत सतर्क होना है, क्योंकि जहां एक तरफ भगवान आपको सारी खुशियां देने के लिए तैयार हो चुके हैं, उन्होंने मन बना लिया है, तभी आपकी जिंदगी में ऐसे विशेष राजयोग का निर्माण होने जा रहा है जो आपको हर वह खुशी देने को तैयार है जिसके आप अब तक तड़प रहे थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, याद रखना कि सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। तो जहां एक तरफ और सकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में खुशियां भरने के लिए तैयार हो चुकी हैं,
आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, खुशियां आपके घर में, आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। वही आपके शत्रु, आपके सबसे पुराने दुश्मन अब सतर्क हो चुके हैं। उनकी भी गतिविधियां बढ़ेंगी और आपको परेशान करने के लिए, आपकी जीवन को बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे, इससे पहले कि आपके जीवन में कोई हानि पहुंच जाए। आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, टोना, टोटका आदि आजमाएं, इसी प्रकार का बंधन कर्म आपके ऊपर करें। इससे बेहतर यह होगा कि आप उन्हें पहचान लें और उन्हें पहचानने के बाद एक विशेष शक्तिशाली उपाय करें, जो हम आकर आपको ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। जब आप इस विशेष महाशक्तिशाली माता शीतला के उपाय को करेंगे, तो फिर आपका शत्रु चाहे कितना ही शक्तिशाली, कितना ही नीच और पूरा क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस ज्योतिष कार्यक्रम में आगे हम आपको उन घड़ियों के विशेष लोगों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में बनने जा रहे हैं, और उन लोगों से आप लाभ कैसे हासिल करेंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी, कि आपके कौन से तीन नाम वाले ऐसे तत्व हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, लंबे समय से आपके खिलाफ साजिशें रच रही हैं। जब जब आपके जीवन में खुशियां आती है, तो इनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं और यह आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। और शत्रुओं का हम आपको नाम ही बताएं कि हमें तो स्पष्ट तौर पर उनका नाम बताएं कि उनकी राशि बताएंगे, और सबसे बड़ी बात कि उन शब्दों से आपका क्या रिश्ता है, क्या नाता है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि उनसे आप लोग कैसे पुराना है। लेकिन इन सब बातों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कि हम आपको एक ऐसा विशेष महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जिससे आपको मात्र एक बार करना है। जी, हमें तो केवल एक बार, और एक बार इस उपाय को करने के बाद आपका कोई भी शत्रु कितना ही बलवान हो, इतना ही शक्तिशाली हो और कितनी ही बड़ी तांत्रिक क्रिया कर रहा हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मित्रों, एक बात हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि आपके जीवन की वैसे तो कई छोटी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो आपका पीछा कभी छोड़ती ही नहीं, और भाई समस्या है दूसरों की पूरी नजर, मित्रों दूसरों की गलत भावनाएं, बुरी नजर, काली नजर आपका पीछा कभी छोड़ती ही नहीं है। आप जरा विचार करके सोचिए अपने जीवन के बारे में, जब जब आप हो कुछ अच्छा महसूस हुआ, कोई बड़ी खुशखबरी मिली, कुछ अच्छा आपके जीवन में घटने को हुआ, और आपने जैसे ही उसे लोगों को बताना शुरू किया, या आप आसपास के लोगों को उसके बारे में खबर हुई, वैसे ही वह खुशी आपके हाथों से फिसल गई। हमें तो कई बार ऐसा हुआ है कि कोई बड़ी मौका, बड़ा अवसर आपके हाथ में आया, और आपने जैसे ही उसके बारे में लोगों को बताना शुरू किया, कुछ दिनों में वह मौका आपके हाथों से निकल गया। आप खुद भी सोचते रहे कि आखिर यह कैसे हो सकता है, जब सारा काम लगभग पूरा हो चुका था, तो फिर यह कैसे रुक सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है मित्रों, आपके हाथों में आई हुई खुशियां बार बार फिसल जाती हैं, क्योंकि इसका कारण यही है कि आपका पीछा बुरी नजर कभी छोड़ती ही नहीं है। यह आपकी राशि के जातकों का एक कड़वा सच है। अब आप चाहे तू माने या ना माने, मान लेंगे तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखेंगे, और इस ज्योतिष कार्यक्रम के अंत में बताए गए विशेष शक्तिशाली हो पाए और कुछ जरूरी सावधानियों को जानकर हमेशा के लिए इन चीजों से पीछा छुड़ा लेंगे, और नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है जो जीवन में मिल रहा है, बस उसे भोंकते रहेंगे और जीवन भर हर किसी को कोसते रहेंगे अपने जीवन की परेशानियों का, तो उसे किसी न किसी के ऊपर मरते रहेंगे, लेकिन अंतिम निष्कर्ष यही होगा कि केवल और केवल कष्ट मिला है। जीवन में यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपको अद्भुत ज्ञान, तेरा शास्त्रों की गहराई से निकाले हुए बेशकीमती ज्ञान के खजाने को आज हम आपको देने जा रहे हैं, तो बस पूरे धैर्य के साथ, ठंडे दिमाग से आज इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है। बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, मन को भटकने नहीं देना है। यकीन मानिए, मित्रों की आपके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा है, तभी आपको यह विशेष ज्योतिष कार्यक्रम आज देखने के लिए माता रानी की तरफ से प्राप्त हुई है, और आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना शुरू किया है, तो वैसे मैं आपको बीच में से छोड़कर नहीं जाना है। ऐसी महान भूल मत कर देना। तू चली मित्र, बिना समय गवाएं आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम वही करेंगे जो हमेशा से करते चले आ रहे हैं।
यानी कि माता रानी को आभार व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्र, कृपा करो एक बार नहीं तीन बार लिखना। माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और अगले तीन दिनों में आपको बहुत बड़ी एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। याद रखना कि जो यह बातें हम आपको बताते हैं, सारी बातें कहीं ना कहीं माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों और साधना के अनुभवों के आधार पर आधारित होती हैं, यानी कि माता रानी स्वयं ही आपको यह सारी बातें किसी न किसी रूप में देना चाहती हैं, ये ज्ञान आपको उपलब्ध कराना चाहती हैं। तो बस ठंडे दिमाग से माता रानी पर विश्वास रखते हुए इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। अंत में आपको जरूर कुछ ना कुछ अद्भुत सीखने को मिलेगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में धन्यवाद अवश्य ही देंगे, हमें पूरा भरोसा है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्र, हमारा एक छोटा सा निवेदन और है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसा करके आप हमारी और माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाए तो इस मौके को न कब आए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे बढ़ते हैं, माता रानी आपका कल्याण करें। प्यारे मित्रों, अब ध्यान से सुनो, आजकल का जो समय चल रहा है, जैसा कि वातावरण है, लोग आजकल अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से अधिक दुखी हो जाते हैं, हमेशा दूसरों की जिंदगी पर नजर रखते हैं और अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में उन्हें जानकारी होती है इसके जीवन में क्या चल रहा है। ऐसे में आपके ऊपर भी लोगों की पूरी नजर रहती है और आप अपने जीवन में ऐसे लोगों की बुरी नजर, बुरी भावना, उसे कई बार बार परेशान भी हो चुके हैं, पीड़ित भी रहे हैं, लेकिन आप एक अलग प्रभाव के इंसान हैं। आप अपने काम से काम रखने वाले हैं, दूसरों की जिंदगी से आपको कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जानकारी आपको भले ही हो, लेकिन जब दूसरों के जीवन में खुशी आती है तो आपको भी अच्छा लगता है। आपके मन में किसी के लिए कोई नहीं है। देखा जाए तो आप एक भोली भाली चरित्र के इंसान हैं, लेकिन आपका यही भोला भाला पर आपके लिए एक जहर का काम करता है। हमें तो अब इससे परेशानी उत्पन्न होती है कि आप जैसे हैं वैसे ही इस संसार को भी मानने लगते हैं। आपको लगता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही संसार में सारे लोग सोचते हैं और आप बहुत ही खुली दिल के, सच्चे दिल वाले सांप, मन के इंसान हैं और ऐसा ही संसार को मानकर अपने मन की सारी बातें बता देते हैं, अपनी खुशियों को दूसरों के साथ शेयर करने लगते हैं और भविष्य की योजनाओं को भी खुले जैसे सबको बताने लगते हैं। यहां तक कि जो बातें आपके जीवन में नहीं हुई हैं, भविष्य में होने वाली हैं, उनके बारे में भी आप कभी कभी बताते हैं। अब इसमें होता यह है कि जब आप लोगों को बताते हैं तो लोग आपसे तुरंत चलने लगते हैं। मित्रों, एक बात याद रखना कि आपकी राशि राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जिससे हमेशा लोग चलते हैं। अब चाहे आपके पास धन दौलत हो या ना हो, चाहे आप जीवन में कुछ बड़ा काम करें या छोटा काम करें, लेकिन लोग आपसे तब भी चलते हैं। अब यह कुछ ऐसा हुआ जैसे कि आपको लगता है कि आपके बस कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग आपसे क्यों चलेंगे, तो आप और होले दिल से लोगों के साथ खुलने मिलने की कोशिश करते हैं, उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप और जैसी नहीं है, आपकी सोच दूसरों से अलग है, रहन सहन, विचार, बात करने का तरीका, यहां तक कि चलने, बैठने, उठने और लोगों के साथ संपर्क करने के तरीके दूसरों से बिल्कुल अलग है। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो लोगों को हमेशा खटकती है। इसका उदाहरण यह है कि जो इंसान आपसे एक बार बात कर लेता है वह आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। जो इंसान एक बार बस आपको नजर भर के देख ही ले, वह भी आपको कभी भूल नहीं पाता है। इसे प्रकृति की या माता रानी की कृपा मान सकते हैं कि आपकी आंखों में, आपके चेहरे में एक गजब का आकर्षण होता है, आपकी बातों में एक अलग सी ऊर्जा होती है, आपके काम करने की शैली बहुत ही अद्भुत और निराली है। अब इन सब बातों से लोग आपसे हमेशा जलते हैं, लेकिन आपकी नजर में कोई खास बातें नहीं है, क्योंकि आपको यह ऊपर वाले के द्वारा किया गया उपहार है और आप इन चीजों के बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन लोग यह सारी बातें नोटिस करते हैं और फिर आपसे जलन खाने लगती है। अब ऐसे में जब आप अपने नए विचारों से अद्भुत मेहनत के साथ हैं, कठिन परिश्रम करते हुए बड़ी बड़ी सफलताओं को हासिल करते हैं और छोटे छोटी ही सही, लेकिन सफलता जब आपको मिलती है
तू लोग आपसे तो पहले से ही चल रही होती हैं। आपकी छोटी मोटी सफलता भी उसे सहन नहीं होती है। उन्हें लगता है कि यह हमसे आगे कैसे निकला जा रहा है। इससे नीचे गिराने का कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग तो बस सोच कर ही रह जाती हैं, लेकिन कुछ लोग इस बीच में ऐसे होते हैं, इससे भी आगे निकल जाते हैं और वे तांत्रिक क्रियाओं को, नजर दोष वगैरह को उत्पन्न करने लगे हैं और आपके ऊपर इन क्रियाओं को आजमाने लगते हैं। जी हां मित्रों, आपके जीवन में कई बार हुआ है जब आप बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ अवस्था में हो और अचानक ही आपका सिर दर्द होने लगा, अचानक ही आपके शरीर में भारीपन आ गया, अचानक ही आपकी आवाज भारी सी हो गई, आपके आसपास अजीब सी दुर्गंध आने लगी है, कभी कभी तो आपको चक्कर भी आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जब भी आपके साथ ऐसा हुआ, आप समझिए कि आपके ऊपर किसी ने बहुत बड़ा टोटका, बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया करती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब सब कुछ आपके जीवन में सामान्य होता है, कोई विशेष परिस्थिति ऐसी नहीं होती जिसमें क्या पोर्टल लगी, लेकिन तब भी आपको मन ही मन बहुत है लग रहा होता है, बहुत अधिक डर होता है, किसी बात को लेकर एक अनजाना सर आपको सताता है, आपको चैन से सोने भी नहीं देता है। यदि आप तो भी जाए तो आपको डरावने सपने आने लगते हैं और आप सोकर जाग जाते हैं। यह सब की तांत्रिक क्रियाओं के प्रमाण है। और इस सबसे बड़ी और खास बात की रात्रि को 11 जी से 1 साथ के बीच आपकी नींद अक्सर टूट जाती है और फिर आपको नींद वापस बड़ी मुश्किल से ही आती है। इन सब संकेतों से आप समझ लेंगे कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो चुकी है और यह घटनाएं आपके साथ पहले भी कई बार हो चुकी। अब यह सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने पुराने अनुभवों को याद करें और हमारे द्वारा कही गई बातों को उनसे मैच कर यह जानने की कोशिश करें कि आपके पास ऐसी घटनाएं आई हैं कि नहीं, आपके जीवन में यह सब पहले गठित हुआ है कि नहीं। हम आपको और विश्वास के साथ कहते हैं कि आपके जीवन में निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, आप इन सबको भूल चुके हैं, अब आपको भी इनके बारे में पहले से एहसास ना हो। ये बात अलग है क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं, अब इन सब बातों को आप हल्के में ना लें, ये बहुत गंभीर बातें हैं। अब हम आपको बताते हैं उस विशेष सहयोग के बारे में, फिर हम आपके शत्रु का नाम बताएंगे और फिर हर एक तांत्रिक के लिए नकारात्मक प्रिय से छुटकारा पाने के लिए एक विशेष शक्तिशाली मानसितला से जुड़ा उपाय बताएंगे। इसे आपको इस जुलाई के महीने में अवश्य कर लेना है। याद रखना कि जुलाई का महीना कोई साधारण महीना नहीं है, यह आपके जीवन में बहुत बड़ी और बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए, क्योंकि इस जुलाई के महीने में आपके जीवन में महाशक्तिशाली लोगों का निर्माण हो चुका है जैसा कि अब तक कभी नहीं हुआ था। अब बात करते हैं सबसे पहले वाला भी योग, या फिर यूं कहें कि 5 राज्यों की तरह ही राजयोग बनता ही तब है जब 5 शक्तिशाली रहे एक ही राशि में लाभ भाव में गोचर कर रही होते हैं, जिसमें कि सूर्य, बुध, शुक्र जैसे 3 महाशक्तिशाली ग्रह शामिल होते हैं। अब सूर्य आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आपके बुद्धि को प्रखर करेंगे, आमदनी को बढ़ाएंगे और शुक्र आपके जीवन में सुख विलास को बढ़ाएंगे, आनंद को बढ़ाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आएंगी। खुशियां अचानक को कहीं से आ नहीं जाएंगी, इन खुशियों को आने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, तो आपके जीवन में जो माध्यम बनेगा हो गए हैं। आपका काम, धंधा, व्यापार, कहने का मतलब यह है कि आने वाले 8 से 10 दिनों में आपके काम, धंधा, व्यापार में कुछ विशेष परिवर्तन होंगे। आपको हिंदी से कोई विशेष फंड मिलेगा, पैसा मिलेगा जिससे आप अपने व्यापार को बड़ा कर सकते हैं, या फिर कहीं से किसी प्रकार की पार्टनरशिप का कोई ऑफर मिलेगा जिसे आप स्वीकार करके आपके व्यापार को बड़ा कर सकते हैं, या फिर किसी भी अन्य प्रकार से कोई ऐसी मदद, कोई बैंक लोन या फिर किसी अन्य प्रकार से ऐसी बड़ी मदद मिलेगी जिससे कि आपका व्यापार बहुत बड़ा हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, मित्रों की खाली व्यापार बड़ा हो जाने से जीवन में खुशियां नहीं आती हैं। व्यापार चलना भी चाहिए तो एक दूसरी स्त्री यह भी हो सकती है कि आपका व्यापार जो भी है, जैसा भी है, वैसा ही रहेगा, लेकिन आपकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। तो बात तो वही रहेगी कि भविष्य में, नजदीकी समय में आप अपने व्यापार को बढ़ा लेंगे। कहने का मतलब यह है
कि आपके जीवन में पैसे की आवक काम धंधा व्यापार के माध्यम से बहुत अधिक होगी। दूसरा यह भी होगा कि यदि आपका पैसा कहीं पर अटका पड़ा था, जैसे आपने किसी को पैसा दे दिया था, कर्जा दे दिया था, या फिर आपने किसी दिल में कहीं पर कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वह पैसा आपका वापस निकल आएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे भी आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तीसरा, आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी क्लिक हो, किसी भी प्रकार का झगड़ा हुआ बात हो गई, समाप्त हो जाएगा और शांति छा जाएगी। इसी के साथ साथ आपके दाम्पत्य जीवन में भी एक विशेष पवित्रता का प्रेम का माहौल उत्पन्न होगा, जो आपके जीवन साथी से आप बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। आपका जीवन साथी आपका मनोबल भी पढ़ाई का। लेकिन इन सब बातों के बीच आपको विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली सतर्कता तो आपको स्वयं के ऊपर रखनी है, यानी कि आपके जीवन में क्या चल रहा है इसकी भनक किसी को भी नहीं देनी है, चाहे थोड़ी आपका कितना ही खास क्यों ना हो, आपका दोस्त यार सखा भाई कोई भी हो। किसी को भी आप अपने दिल की बात, अपने जीवन की हर एक घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, सारी बातें गुप्त रखेंगे। दूसरी सावधानी आपकी यह रहेगी कि आप अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखेंगे, यानी आप कोला तू जल्दी से कॉल करना है, ना ही किसी पर एकदम से पिघल जाना है, किसी से बहुत अधिक प्रेम करना है। अपनी भावनाओं पर आप पूरा नियंत्रण रखेंगे। आपको अपनी भावनाओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जीवन की परेशानियों में आपकी भावनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी भावुकता में आप ऐसे काम कर जाती हैं कि बाद में आपको पछतावा होता है कि आपने आखिर ऐसा कर ही क्यों लिया। तो स्वयं पर नियंत्रण रखना है, अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करना है। अब तीसरे बात के अपने शत्रुओं से आपको सतर्क रहना है। आपके कुछ विशेष सचिव हैं जो लंबे समय से आपके पीछे पड़े हुए हैं। इन शब्दों से आपको सतर्क कैसे रहना होगा, इसके लिए आपको करना होगा कुछ उपाय। कोई ना कोई ऐसी विशेष रक्षा कवच आपको अपने आसपास तैयार कर लेना होगा कि फिर शत्रु चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आप चाहकर भी अपने शत्रुओं से पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे यदि आप कोई उपाय नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने स्वभाव से कभी पलट नहीं हो सकते हैं, यानी कि आप जैसे मन से हैं, शुद्ध पवित्र और भोले भाले स्वभाव के व्यक्तित्व के मालिक हैं आप, और आप अपने स्वभाव को तो बदल नहीं सकते हैं। जैसे आप हैं वैसे ही आप इस संसार को मानकर देखेंगे और तोता खाते रहेंगे। तो इससे बेहतर यह होगा कि जब आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं, तो अपने आसपास एक रक्षा कवच तैयार करें, एक सुरक्षा घेरा बनाएं, और फिर आपके ऊपर होने वाली किसी भी प्रकार की नकारात्मक क्रिया के हमले को यह सुरक्षा घेरा बर्दाश्त करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। जी हां मित्रों, तो आप ध्यान से सुनिए, हम आपको आपके शत्रु के नाम बताने जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी के जीवन में इस नाम का कोई शस्त्र हो, या फिर हो सकता है कि नहीं भी वो, क्योंकि जो हम भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि आपकी राशि को देखते हुए कर रही है, गोचर के आधार पर कर रही है, और अपनी स्वयं की अनुभूतियों के आधार पर जो माता रानी हमें जीती हैं उनके आधार पर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपने स्वविवेक का पूरा उपयोग करना है। जब हम आपको आपके शत्रुओं का नाम बताएं, तो आप ठंडे दिमाग से अपने आसपास के लोगों पर नजर दौड़ाई और उन लोगों को जिनका नाम मैच हो जाए मिल जाए, उन लोगों के स्वभाव के बारे में विचार करें। यह आपकी सतर्कता बढ़ाने के लिए भी होगा। मैंने आपको ऐड कर देगा कि कौन आपका शत्रु है कौन नहीं है, तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला आपका शत्रु है जिसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से हिंदी में जा अक्षर से शुरू होता है, हमें तो इसकी राशि वृश्चिक है। दूसरा आपका शत्रु है जिसका नाम अक्षर से शुरू होता है लेकिन इसकी राशि कुंभ है। और तीसरा आपका शत्रु है रा नाम वाला इंसान जी, हमें तो जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। इन तीन नाम वाले लोगों से आपको हमेशा सतर्क रहना है। यह आपके आसपास हैं और आपको लगातार पिलाएं पहुंचाते चले जा रही हैं। अब इन नाम वाले लोगों से आपको हमेशा सतर्क रहना है। अब हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो इस नाम का आपके आसपास है, लेकिन आपको पूरा विश्वास है कि यह आपकी हानि नहीं कर सकता है। लेकिन प्यारे मित्रों,
समय का इंतजार करना आज नहीं तो कल भेद खुल ही जाएगा और वह आपका सबसे बड़ा शत्रु साबित हो ही जाएगा। तो आप हो सकता है किसके द्वारा बिछाई गई चाल में अभी फंसी हूं, क्योंकि आप भावनाओं से चलने वाले इंसान हैं, तो भावनाओं के आधार पर आप विचार करेंगे तो आपको अब भी सब कुछ ठीक लग रहा होगा, लेकिन भविष्य में आप जब धोखा खा जाएंगे तो आप समझ ही जाएंगे, फिर आपकी भावनाएं भी चकनाचूर हो जाएंगे। इससे बेहतर ये होगा कि आप अभी से ही सतर्क हो जाएं। हम यह नहीं कह रहे कि आप इन नाम वाले लोगों से सीधे अभी दुश्मनी मान बैठे और इनसे झगड़ा करके दूर हो जाएं। जी नहीं, आप बस इनके ऊपर नजर बनाकर रखें। ये आपसे क्या कहते हैं, कैसे कार्य करते हैं, आपके बारे में इनकी क्या विचार है, इन पर थोड़ा सा होशियारी के साथ, सतर्कता के साथ नजर रखेंगे और फिर इनके बारे में कोई भी निर्णय लेंगे। आंख बंद करके आप इनके बारे में कोई निर्णय हाल है, बस इतना सा हम चाहते हैं। और यदि आपको हमारी बातों में सत्यता लगती है और इस नाम के लोगों में आपको वह संकेत दिखाई देती है जो हमने आपको बता ही है, तो फिर आपको धीरे से इन लोगों से दूरी बना लेनी है। झगड़ा नहीं करना है, कोई विवाद नहीं करना है, कुछ कहना सुनना नहीं है, बस चुपचाप इन लोगों से दूरी बना लेनी है, संपर्क का अपना कम कर देना है। बस यही आपके लिए सबसे बुद्धिमान ही वाला फैसला होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनें और एक एक चीज को नोट करके रख लें। यह मित्रों, अब हम आपके आसपास एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाने जा रही है जो आपको हर एक प्रकार की तांत्रिक क्रिया से, नकारात्मक ऊर्जा से बचा कर रखिएगा। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि महीने के किसी भी शनिवार के दिन शाम के समय आपको माता शीतला के मंदिर जाना है। अब कुछ लोग इस चीज में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली का मंदिर जाएं या मां। मंदिर जाएं तो मित्रों, माता काली और मां शीतला दोनों एक ही है। जब माता क्रोधित होती है तो वह काली का रूप, चड्डी का रूप बन जाती है, और जब माता शांत होती हैं तो भी पत्रकार कहलाती हैं, और ऐसे ही रूप में माता सबको अपना प्रेम और वरदान देती हैं। तो आप किसी के भी मंदिर में जा सकते हैं, वह काली माता का मंदिर होना चाहिए। बस आप वहां जाएं और माता को 11 या 21 नियमों की माला अर्पित करें। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है कि माता शीतला के मंदिर में जो भभूति होगी, ये मित्रों हर मंदिर में देवी देवताओं के नाम की भूत होती ही है, तो जो भभूत होगी उसे आप कागज में लिखकर अपने घर आ जा, थोड़ी सी बहुत अपने कागज में समेट है और उसे अपने घर लेकर आ जाए। उस भभूति को आपको अपने घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा सा छिड़क देना है। उसके बाद उस भभूति को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी थोड़ा सा फैलाना है, यानी छिड़क देना है, और उस आपको उस भभूति को अपने घर के पूजा घर में माता शीतला की फोटो के पास, उनकी तस्वीर के पास रख देना है। और जब आप अपने घर से किसी भी कार्य के लिए निकले, जाने की, काम धंधा, व्यापार, पढ़ने के लिए, जरूरी कार्य को करने के लिए निकले, भगवती मैसेज थोड़ा सा लेकर, यानी अपनी जो अनामिका उंगली है उसमें उस भभूति को थोड़ा सा लेकर अपने गले पर लगाए। कंठ प्रिय मित्रों की काली का बस स्टैंड पर ही माना जाता है। इंसान के शरीर में तो आप अपने कंठ पर उस भगवती को लगाएं। अब आप यह भभूति अपने घर के चारों कोनों में मुख्य दरवाजे पर या फिर अपनी कंठ पर लगाएंगे। उस समय आपको इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना है। मंत्र आप ध्यान से सुने। यह मां शीतला का विशेष तांत्रिक मंत्र है, जो इस मंत्र में आपको कोई गलती नहीं करनी है। मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको यह मंत्र लिखा दिखाई दे जाएगा, तो इसे आप ध्यान से सुने। जरा सी भी गलती इस मंत्र में आपको नहीं करनी है। तो मंत्र आप ध्यान से सुने। ओम क्रीम 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 होम। और जी हां मित्रों, मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओम क्रीम 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 ओम। जी हां मित्रों, यह माता शीतला का विशेष तांत्रिक मंत्र है। यह आपके आसपास एक विशेष रक्षा कवच का निर्माण कर देगा। अब आप यह क्रिया महीने में एक बार कर सकते हैं। जब आपकी भभूति समाप्त हो जाए तो आप अगले महीने फिर से किसी शनिवार के दिन माता शीतला को नींबू की माला अर्पित करके आए और वहां से थोड़ी सी भभूत लेकर आए, और यही क्रिया को फिर से दौरान इस क्रिया को आप लगातार करते रहेंगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक तक कभी भी हो ही नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। फिर नजर टोने टोटके की तो हैसियत ही क्या है।
बड़ी से बड़ी, भयंकर से भयंकर तांत्रिक और मारण क्रिया भी आपके घर के दरवाजे से ही वापस लौट जाएगी और जो भी इस क्रिया को आपके ऊपर कर रहा होगा उसी का विनाश करेगी। अब तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस उपाय को करिए और इसके लाभ खुद महसूस करिए। आज आप इस उपाय को करेंगे और कल से ही आप उसके परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हम आपसे कह चुके हैं कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहती ही है, आप चाहे कितनी ही कुछ इस तरह से निकालने की निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन इस उपाय के बाद यह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से बाहर होगी और आपको इसके शुभ परिणाम भी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ साथ करी मित्रों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। माता रानी पर अपनी विश्वास को बनाए रखिए। याद रखना, माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर आ चुका है, तभी आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को यहां तक देखा है और आप माता रानी के जी के परिवार के सदस्य भी बन चुके हैं। तो पूरे भक्ति भाव के साथ प्रेम से बोलिए, जय माई की जय, मां शीतला माता रानी आपका कल्याण करें कि धन्यवाद।